टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बढ़ते वायु प्रदूषण पर बुलंदशहर प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। लकड़ी कोयला जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने वाली तीन फैक्ट्रियों को बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया सील। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री सोमेश्वर एलॉयंस, आरवी इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी लिमिटेड TNS, अमरोहा इंटरप्राइजेस को किया गया सील। सर्वोच्च न्यायालय एवं NGT के आदेशों का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज करने के भी DM ने दिए निर्देश। एक फैक्ट्री पर जुर्माने की भी की गई कार्रवाई। आप लोगों को मालूम है कि दिवाली के बाद से दिल्ली एवं NCR एरिया में वायु प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसमें NGT, माननीय उच्चतम न्यायालय, EPCA और राज्य सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है। इस वायु प्रदूषण के कारण पूर्व में 2 बार लगभग स्कूल कॉलेज भी बंद कराए जा चुके हैं। हमने काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, फिर भी पॉल्यूशन स्तर वांछित रूप से नीचे नहीं गया है। आज की रीडिंग लें तो हालांकि 400 से कम है, लेकिन आज भी 372 है। उसी कड़ी में आज हमें सूचना मिली कि सिकंदराबाद में कतिपय इंडस्ट्रीज हैं जहां टायर जला के तेल बनाए जाते हैं, तो हमने पता किया तो थोड़ा सा हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा कि उन्हें पूर्व में सूचित किया गया है। फिर मुझे बताया गया कि अभी भी चल रहे हैं, तो मैं स्वयं वहाँ गया। 5 इंडस्ट्री हमने चेक किए। पहला सोमेश्वर एलॉय है, दूसरा RV इंडस्ट्री है, तीसरा TNS इंडस्ट्री है और 2 और चेक किए जो बंद पाए गए। परंतु जो फर्स्ट 2 इंडस्ट्री थे, सोमेश्वर एलॉय और RV इंडस्ट्री, वहाँ पे फर्नेस गर्म पाए गए, जो तार गले हुए, जो टायर गला के जो तार बच जाता है उससे धुआं उठ रहा था। इससे साफ प्रतीत हुआ कि वहाँ जलाए जा रहे हैं, तो उन पे सुसंगत धाराओं में जैसे IP 268 है, 269 है, 278 है, उसमें FIR की कार्रवाई की जा रही है। और एक जो TNS इंडस्ट्री है वो मौके पर चलती हुई पाई गई, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले के साथ प्रदूषण फैलाने वालों का किया निरीक्षण। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।